ऊना जिले में प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार शराब के अवैध धंधे में लिप्त शराब माफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गत माह राघोगढ़ के राजपुरा में छापामारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त कर नष्ट की गई थी। जिला प्रशासन की उक्त कार्यवाही में बंधुआ श्रमिकों को बंधक श्रमिक से मुक्त होने का रास्ता दिखाया और सोमवार को 10 श्रमिक बंधक बनाए गए। नियोजकों से मुक्ति के लिए बाहर निकल गए। राजपुरा में और बंधक श्रमिक होने पर की जानकारी मिलने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी अक्षय ताम्रवाल द्वारा पुलिस बल एवं अन्य राजस्व अमले के साथ राजपुरा पुनः छापेमारी कार्यवाही कर 5 और बंधक श्रमिकों को मुक्त करा लिया गया। उक्त समस्त 15 बंधक श्रमिकों को आज बंधक श्रमिक मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इनमें धर्म सिंह सहरिया, महावीर सहरिया, भीमा सहरिया, विमला सहरिया, राजू सहरिया, सूरज सहरिया, रेखाबाई सहरिया, शिबू सहरिया, उमेश अहिरवार, लालाराम सहरिया, परतू सहरिया, गुड्डीबाई सहरिया, ऋषि सहरिया, राजकुमारी सहरिया, सुगंधबाई सहरिया तथा उनके साथ 11 बच्चे शामिल हैं। इनमें बमौरी, बेरखेड़ी, गढ़ा के 4, अशोकनगर सोबत के 5, राघोगढ़ के 5 तथा शिवपुरी जिले का 1 बंधक श्रमिक शामिल है, जो राजपुरा ग्राम के भूरा सिंह कंजर, नवल सिंह कंजर, कोमल सिंह कंजर, जितेंद्र सिंह कंजर, मिथुन कंजर एवं रिंकू कंजर के यहाँ बंधुआ श्रमिक के रूप में बंधक थे। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि मुक्त हुए बंधक श्रमिकों को 20,000 रुपए की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी। बंधक श्रमिक के रूप में कार्य कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध FIR होगी तथा नियोजकों पर दोष सिद्ध होने पर मुक्त कराए गए पुरुष बंधक श्रमिक को 1-1 लाख रुपए तथा प्रत्येक मुक्त कराई गई महिला बंधक श्रमिक को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिले के उक्त सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। मुक्त हुए बंधक श्रमिकों के पुनर्वास, रोजगार एवं उनके बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। बोलो। सामने सिलेंडर पास पहुँची करता हूँ, मेरे धमकी देता है और खाने पीने को ले राशन कार्ड भी नहीं देता, कुछ कहीं आने जाने नहीं देता, कहीं आने जाने नहीं देता मुझे। और गहराई का रहने वाला हूँ मैं, जाता हूँ तो धमकी देता है मेरे को। बोलो। साहब हम खेराई के रहने वाले हैं, हम सिलेंडर के पास पहुँची कर रही थी, हमने साथ साथ में हम भी काम करते हैं, गट्टा पूरी लाद के खेती बाड़ी पर जाते, गट्टा पूरी लाद के उनको काम जी बताते, जे खर्च लगता कचु काम नहीं करते। थोड़ी जोर से बोलो। जोर से के रहने वाले हैं, सिलेंडर के पास हमने खेती करी थी, खेती बाड़ी से काम करते। आपके साथ ये भी काम करती थी कि ये आपकी लड़की? ये जाती थी कचरा मचरा पटाख लाती थी गट्टा में। और ये आपका लड़का? ये भी ऐसे ही जाते है, हमारे साथ में काम करते है, कैसे पानी वानी फेर रहे थे, वो रख आते है, कहीं कचरा मचरा फेंक के आते है गट्टा। और ये पास में ये भी ये रखवाली करते, ढोल बछेल बगाते है माल। ठीक है, खेती बाड़ी की रखवाली करते। सर मेरे सगन भाई ना है और मेरे पति के हाथ जलवा रहे थे और मुझे नहीं आने दे रहे थे, मैंने आगे की कई सुमो मार भी दो रहे थे और गोबर भी फेंकवाते और ढोल के सार भी फेंक जलवाते दबाते, रोमन ने हाथ जलवाए थे और गट्टा नहीं लाती ना काले बगते हैं और मार भी दोस देते और नाज पानी भी नहीं देते, अब 20 किलो देते कम 10 किलो देते हैं नाज देते हैं और ऊपर पैसे भी नहीं देते। मैं सोबत रहता हूँ सर, राजपुरा कोमल कंजर के यहाँ काम करता था और उससे मैंने 20,000 रुपया उधार लिए थे ब्याज के साथ में, तो वो मुझ पर दोगुने पैसे निकाल रहा था और जब मैं गांव जाता था सर तो वो मुझे डराता था, धमकाता था, मैं तुझे जो कर दूंगा वो कर दूंगा बस, और कुछ नहीं, एक महीने में मुझे 20 किलो राशन देता था बस खाने पीने के लिए और कुछ नहीं। मैं साफ गोबर डाला थी 4 लाख। असहमति।